अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर है 6 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। बेटे आज सबसे पहले हम जो है एमसीक्यूज करेंगे, पेज नंबर 171 ओपन कर रहे हैं सब, पेज नंबर 171 एमसीक्यूज पहले कर लेते हैं ताकि आप इसको बेटे पहले ही याद कर लें और जो भी आपको असाइनमेंट दी जाए उसमें ये जो है वो आप कोई भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। जी बेटे फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये बेटे क्या इसको कहते हैं, पूछा है एमसीक्यूज अंडर रूट 3। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, कहते हैं रैशनल नंबर है, इररैशनल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इंटीजर है। तो ये बेटे क्या है, इररैशनल नंबर है, ठीक है। इररैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर हो और ऊपर बेटे रेडिकल साइन आ गया उसको क्या कहते हैं, इररैशनल नंबर, ठीक है। इस नंबर को आप मजीद हम सॉल्व ना कर सकें या सिंपल वर्ड में रेडिकल साइन जिस नंबर के ऊपर आ जाए उसको इररैशनल नंबर जो है वो कहते हैं। तो बेटे इसकी जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 1 की। एमसीक्यूज नंबर 2 कहता है ये जो है अंडर रूट 73। अब ये यानी कि क्यूब रूट 7 जो है क्या कहता है, रेडिकल कहलाता है, रेडिकेट कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है, इंटीजर, ठीक है। तो बेटे ये क्या कहलाएगा, रेडिकल, ए ऑप्शन है इसकी रेडिकल। क्यों रेडिकल देगा, इसके अंदर रेडिकल साइन जो है वो आ रहा है। थर्ड एमसीक्यूज है, कहता है कि ये ए रेज टू पावर एन, इसमें जो है एन को हम क्या कहते हैं, आपको पता है कि ये नीचे वाली जो चीज है ए इसको हम रेज कहते हैं, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट का दूसरा मतलब क्या था, पावर। तो बेटे इसकी जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये एमसीक्यू नंबर 4, ये बेटे एमसीक्यूज आगे पीछे हो गए हैं, ये एमसीक्यू नंबर जो 4 है ये मैं 3 वाला कर रहा हूं, अंडर रूट 3, जिसमें 3 को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 3 को हम कहते हैं, ये आपको पता है अंदर जो स्क्वायर रूट लिखा उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। ये बेटे इसकी ऑप्शन जो है बी है, क्या है बी, क्या इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूं करेक्ट। ये थर्ड एमसीक्यू था अंडर रूट 3, थ्री को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडिकेंट कहते हैं, बी ऑप्शन है थर्ड की और फोर की जिसमें ए रेज टू पावर एन, इसमें हम एन को क्या कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, इसकी ऑप्शन बेटे है सी, ठीक है। आगे फिफ्थ एमसीक्यू देखें, फिफ्थ एमसीक्यू में फोर रेज टू पावर 5, फोर को क्या कहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं नीचे वाले को बेस कहते हैं, तो इसकी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए फिफ्थ की बेस। आगे बेटे जो है सिक्स एमसीक्यूज है, लॉगरिथम कैलकुलेट टू द बेस। एक भी अगर किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना तो उसकी जो बेस होती है वो क्या होती है, 10 होती है, और ये क्या कहलाती है, कॉमन लॉगरिथम कहलाती है, ठीक है। द लॉगरिथम कैलकुलेट टू द बेस 10 इज कैलकुलेट इज कॉल्ड, तो ये क्या होगा, कॉमन लॉगरिथम। सिक्स एमसीक्यूज जो है ये क्या आ जाएगा, इसकी ऑप्शन है बी कॉमन लॉगरिथम। आगे बेटे समझने के लिए ये मैंने एक नंबर लिखा है, ठीक है, लॉगरिथम का, कहते हैं कि डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है इस जो होता है आपके पास, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। डेसिमल पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेंटिसा। और ये डेफिनेशन भी है जो आपने याद कर लिए हैं, देखें इन द लॉगरिथम ऑफ द नंबर द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटे 7 एमसीक्यूज है, वो क्या है, इसका आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ए ऑप्शन है इसकी। और जो इसका आगे 8, इसका था इन द लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। ये बेटे दोनों जो एमसीक्यूज है डेफिनेशन के तौर पे भी आपने इनको लर्न करना है। तो जो है सेकंड या थर्ड सॉरी 8 एमसीक्यूज की जो ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 9, ये कहता है किसके इक्वल होगा, तो बेटे देखें ये जो है स्क्वायर रूट उसकी पावर 1/2 का ऊपर वाले की क्या आ जाएगी 1/2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 पावर 1/4। ये बेटा इसकी ऑप्शन क्या है, डी। इसके ऊपर डबल था, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको बेटे ऐसे कर सकते हैं 2 रेस टू पावर
देखिए और ऊपर भी एक रेडिकल साइन है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इनसाइड एंड आउटसाइड पावर जो है बटे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके आपको बता दिया। लास्ट एमसीक्यू है 10, कहते हैं कि ये जो नंबर है 2 प्लस अंडर रूट डी ऊपर बटे रेडिकल साइन है इज नॉट रेडिकल बिकॉज़ 2 प्लस अंडर रूट 3 इज, ये क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कि इसकी जो ऑप्शन है वो ए है। अब बेटा नीचे जो एमसीक्यूज है इसको आपने जो है खुद देखना है, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो चीज हमने सॉल्व किया है बोर्ड पे मेजॉरिटी इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही है जो कि एमसीक्यूज में आ रहे थे, इसको आपने खुद सॉल्व करना है बेटे। अच्छा अब बेटे देखिए आगे एक्सरसाइज जो थी 6.2 कर दे, लास्ट क्वेश्चन 29 को देख लेते हैं और ये एक्सरसाइज साथ ही आपकी क्या आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एमसीक्यूज बटे मार्क कर लें आप एक दफा। ये एमसीक्यूज बटे आपने नोट कर लिए होंगे, इनके आंसर भी मैं लिस्ट कर रहा हूं। ये बेटे एक्सरसाइज 6.2 इसका लास्ट क्वेश्चन था 29, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है, ये बेटे ये क्वेश्चन है 3^2 / 1/3 / 1/3, इसको पहले लिखेंगे, इसका मतलब है 3^2 / 1/3 / 1/3। ठीक है, यहां पे बेटे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे वो क्या है, a^m / a^m। जब बेसिस सेम हो और उनके दरमियान में डिवाइड का साइन आ जाए तो बेटे बेस को 1 टाइम लिखते हैं और नीचे वाली पावर जो है ऊपर जाकर उसका साइन हम उसका चेंज कर देते हैं, फिर दोनों पावर्स के दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे नीचे वाली पावर के साथ साइन माइनस हो तो ऊपर जाके बटे क्या आ जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि अगर टू वैल्यूज जिनकी बेस सेम हो और उनके दरमियान में डिवाइड का साइन आ जाए तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जाकर उसका साइन क्या आ जाएगा, बटा चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो इसको ठीक हो 1 टाइम लिखेंगे, 1/2 - 1/3 ठीक हो गया बेटे। अब आपने करना क्या है, इसका आपने देखें जो पावर्स है फ्रैक्शन फॉर्म में और उनके दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, जब भी बेटे टू वैल्यूज जो हो फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम बेटे एलसीएम लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 6। 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है, 2 3 6 होता है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ये आ जाएगा 3, सेंटर में साइन माइनस है माइनस आ जाएगा। आप सेकंड फ्रैक्शन फॉर्म के साथ करेंगे, 3 के टेबल में 6 कहां पे आता है, 3 2 6, तो 2 को बेटे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2। अब इसको अगर सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6, यही बेटे हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटे? तो अच्छा एक और आपको ट्रिक बता दूं बेटे, जब नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना चाहे डिनोमिनेटर में दोनों ही वैल्यूज हैं डिफरेंट हो, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 को 1 के साथ, जैसे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 को जो है यहां पे दूसरी वैल्यू के ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, सॉल्व करें तब भी आपका वो एलसीएम बन जाएगा। एक और बेटे क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड पार्ट है, वेरिएबल्स के साथ जो है वो उसके कोफिशिएंट भी आ रहे हैं, पावर तो कुछ ना कुछ आ रही है इसकी, तो बेटे इसको सबसे पहले
हम इसको लिखेंगे 2 by 4 x, one time लिखेंगे, power root वाली 3 by 4, नीचे वाली power पर जाके minus हो जाएगी, आ जाएगा 3 by 5। अब ये देखें जो coefficient थे वो तो degree form में है, लेकिन जो basis ही base को one time लिखा, नीचे वाली power पर ऊपर जाके क्या आ जाएगी, minus हो जाएगी। अब ये देखो fraction form में है तो इसका LCM लेंगे, और ये जो आपके पास जो coefficient है पहले इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया, एलसीएम ले लेंगे बेटा, इसके एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, 4 के टेबल में 20 कहां पे आता है, 5 पे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ये आ जाएगा 15 माइनस, और 5 के टेबल में 20 कहां पे आता है, 4 पे, तो 4 को बेटे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 12। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इसको बेटे करेंगे, ये आ जाएगा 3/20। तो आगे देख लेंगे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में जो वैल्यूज आ रही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि x की जो पावर आ रही है कटिंग होती होगी तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो यहीं बेटे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां तक बेटे था हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर आ गया। इसके 29 के जितने भी पार्ट्स हैं बाकी वो सारे के सारे आपने जो है वो खुद सॉल्व करने हैं, आसान है, इतने मुश्किल जो है वो नहीं है, ठीक है। तो बेटे जैसे एक्सरसाइज है ये हमने कंप्लीट कर ली, सबसे पहले हमने किए थे एमसीक्यूज किए थे, उसके आंसर आपको मार्क करवा दिए, आप उसको बेटे लर्न कर लें एमसीक्यूज को। उसके बाद है ये जो एक्सरसाइज है 6.2, इसका हमने आज जो क्वेश्चन किया है 29 जो है वो किया है क्वेश्चन, तो ये बेटे जो है हमारा जो है क्वेश्चन जो है कम्प्लीट हो गया है। मजीद इसमें से एक आध क्वेश्चन मजीद कर लेते हैं, ये जैसे है पार्ट नंबर बेटे 8, ये बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन है 5a^3/4 है, b^3/5 है, डिनोमिनेटर में 20 है, a^1/5 है और b^1/4 है। अब इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, ये देखिए जो है इसके कोफिशिएंट जो है जो कांस्टेंट वैल्यू सिस्टम कह सकते हैं डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, और जैसे कि अब आपको पता है यहां पे टू वेरिएबल्स आ गए, a^ जो आ जाएगी 3/4 -1/5, b^ आ जाएगी बेटे 3/5 -1/4। ये जो आप सबसे पहले जो है जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनकी कटिंग कर देंगे, 5 1 5 5 4 20, उसके बाद बेटे आपने क्या करना, ये आ जाएगा 1/4। उसके बाद आपने ये जो a है इसका एलसीएम लेंगे, जैसे आपको बताया ये 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, अगर ना पता चले तो आप इसका बेटे एलसीएम का जरिए भी ले सकते हैं 20। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के साथ देखेंगे 4 के टेबल में 20 कहां पे आता है, तो 4 5 का 20 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 के टेबल में कहां पे आता है 4 पे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरीके से बेटे b^3 को सॉल्व करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 5 और 4 है, इसका भी जो एलसीएम आएगा वो 20 आ जाएगा, और 5 के टेबल में 20 कहां पे आता है, जैसे आपको पता है कि 4 पे आएगा 4 × 3, ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 के टेबल में कहां पे आता है 25 पे, तो बेटे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ये आ जाएगा 5। यहां तक देखिए बेटे क्लियर है। अब इससे आगे मजीद बेटे सॉल्व करेंगे, a^4 बेटे क्या आ जाएगा 11/20, और दूसरा जो हमारे पास आ जाएगा 7/20, ठीक है, माइनस कर देंगे तो यही बेटे माइनस का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बेटे एक्सरसाइज जो है हमारी अब जो है कंप्लीट होगी, इसके जितने थे जो डिफरेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करवा दिए। तो आज जो हमने किया है बेटे एमसीक्यूज किए, एमसीक्यूज के साथ साथ जो है हमने इसको जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 29 किया है, जिसका पार्ट नंबर 1
पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 8 करके देखा, तो आप इसको बेटे नोट कर लें। जी बेटे ये था हमारा, आपने नोट कर लिया होंगे क्वेश्चन, ये था हमारा बेटे आज का लेक्चर था जो कि कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह बेटे कल जो है एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन भी नए होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए बेटे नए ट्रिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।